हेलो फ्रेंड, मेरा नाम इदर्श यादव और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल हाइपर एक्टिव 75। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेन लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़, व्हाट इज ट्रेन लाइन, टाइप ऑफ ट्रेन लाइन, हाउ टू ड्रॉ ट्रेन लाइन करेक्टली, हाउ टू ट्रेड यूजिंग ट्रेन लाइन। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज ट्रेन लाइन। The trend line is probably the most common form of technical analysis in stock trading. It is one of the most versatile tool in trading. अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन की। तो ट्रेंड लाइन दो तरह के होते हैं, अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन। तो अप ट्रेंड लाइन क्या है? अप ट्रेंड लाइन इज अ ड्रॉइंग अलॉन्ग द बॉटम ऑफ इजली आइडेंटिफाइबल सपोर्ट एरियाज, द एरिया ऑन द चार्ट दैट शो बाइंग प्रेशर अलॉन्ग विद अप ट्रेंड, दिस इज नोन एज असेंटिंग ट्रेंड लाइन। तो इसे हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखिए, ट्रेंड लाइन ये हुआ हमारा एक अप ट्रेंड लाइन, और जब भी मार्केट मूव करता है वो तो देखिए, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो तो उस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो के फॉर्म में वो ऊपर बढ़ता है और नीचे उसका सपोर्ट होता है। और ये जो सपोर्ट वाला लाइन है, इसी को हम लोग अपर ट्रेंड सपोर्ट लाइन बोलते हैं, अपर ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन। तो डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन इज द ड्रॉन अलोंग द टॉप ऑफ इजली आइडेंटिफाइबल रेसिस्टेंस एरिया, द एरिया ऑफ द चार्ट दैट शो डाउन ट्रेंड सेलिंग प्रेशर, दिस इज नोन एज द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। तो जब भी मार्केट अपना हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के वो जब भी गिर रहा हो तो उसे हम लोग डाउन ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जब भी मार्केट अपना लोअर लो लोअर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जब भी मार्केट वो गिर रहा होता है तो इसे हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और डाउन ट्रेंड पर जो ये लाइन है रेसिस्टेंस वाला लाइन, इसे हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हाउ टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन करेक्टली। ओके, तो टू ड्रॉ ट्रेन लाइन करेक्टली यू ऑल यू हैव टू डू इज लोकेटेड टू मेजर टॉप्स और बॉटम्स एंड कनेक्ट देम विथ अ लाइन। स्टेप टू ड्रॉ ट्रेन लाइन करेक्टली, फर्स्ट फोकस ओनली ऑन द मेजर स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई स्विंग लो को आपको मेजर करना है, फोकस करना है। कनेक्ट एटलीस्ट टू मेजर स्विंग पॉइंट्स, कम से कम दो मेजर स्विंग पॉइंट को आपको कनेक्ट करना। ठीक है, विदाउट कैंडल कटे हुए, सिर्फ उसका वीक कट जाए वो सही है, लेकिन कैंडल नहीं कटना चाहिए, कैंडल का बॉडी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड है एडजस्ट इट सो दैट यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टचेस। तो चलिए आपको हम एक पिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये आपका अप ट्रेंड लाइन है, तो इसमें आपको दो स्विंग लो को पकड़ना है। पहला स्विंग लो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, और दूसरा स्विंग लो यहाँ पे है। तो देखिए, पहला यहाँ से ड्रॉ करना है आपको, यहाँ से ट्रेंड लाइन एक चूज करना है और यहाँ से ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये आपका स्विंग लो हो गया और ये स्विंग लो स्विंग टू हो गया, स्विंग लो टू। तो ये आपका वैलिड ट्रेंड लाइन हुआ। देखिए, सभी का वीक टच है, सभी कैंडल स्टिक का बॉडी कट नहीं हो रहा, लेकिन वीक उसका टच है, और वीक कट हो सकता है लेकिन बॉडी उसका कट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं हाउ टू ट्रेड यूजिंग ट्रेंड लाइन। तो इसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे हाउ टू ट्रेड यूजिंग ट्रेंड लाइन। ओके, हेलो दोस्तों, मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सॉफ्टवेयर खोल लिया, और इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट आपके पास दो स्विंग होना जरूरी है। तो दो स्विंग इसमें से पता करते हैं, दो स्विंग कौन कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट स्विंग हो गया ये, सेकेंड स्विंग हो गया ये। ठीक है, हमारे पास दो स्विंग होना जरूरी है, तभी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, तो ये सब आपको बताया मैंने आपको। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो स्विंग को आपको पकड़ना है और यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा ड्रॉ कर देना है, बिना कैंडल स्टिक का बॉडी कट किए हुए। तो मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ वीक कट हो सकता है, लेकिन कैंडल का बॉडी नहीं कट होना चाहिए। तो हमारे पास दो स्विंग था, मैंने दो स्विंग से कनेक्ट कर दिया, तो
हमारा ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद अब हम ये आपके पास मान लेते हैं आप मार्केट यहाँ से यहाँ यहाँ से गिरा दो बारी टच हुआ और ये आपके पास नहीं था, तो बात आप यहाँ पर एंट्री कैसे लेते और क्यों लेते वो मैं आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला यहाँ पे एंट्री लेने के लिए आपके पास कम से कम 4 चेकलिस्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके पास 4 से चेकलिस्ट है कि नहीं है। पहला मैं यहाँ से फिबोनाची यूज कर लेता हूँ। फिबोनाची पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके लिए फिबोनाची पे पूरा सीरीज लेकर आऊँगा। तो फिबोनाची मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए 0.5 लेवल का एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट लेवल पे मैंने एंट्री यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पर से टेक दो, पहला तो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस, ये आपका ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन आपका यहाँ पे फिबोनाची का 0.5 लेवल से रेसिस्टेंस खा के गिर रहा है। फिर तीसरा हो गया आपके पास कि ये देखिए ये कैंडलस्टिक का आपके कैंडलस्टिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये बुलिश है बियरिश हरामी है। अगर कैंडलस्टिक के बारे में आप नहीं जानते तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कन्फर्मेशन हो गया। अब आप चौथा कन्फर्मेशन देखते हैं, ये आपका देखिए आपका यहाँ पे सपोर्ट और असिस्टेंस एरिया, देखिए मार्केट यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पर से सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया फिर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ असिस्टेंस के लिए यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे देखिए एक परफेक्ट रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर से हमारे पास का एक कन्फर्मेशन 4 कन्फर्मेशन हो गया। अब इसलिए यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और हमारा टारगेट क्या होगा वो उस विषय में आपको बताने वाले हैं। टारगेट आपको पता करने के लिए आपको फिब एक्सटेंशन का यूज करना पड़ता है। फिब एक्सटेंशन यहाँ से मैंने क्लिक किया और आपने यहाँ प्रीवियस स्विंग से ये लेटेस्ट स्विंग ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर आपने क्लिक किया और ये इसको इधर एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो मैं हमारा टारगेट पॉइंट क्या क्या होगा उस विषय उसको वो बताते हैं आपको। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा फिबोनाची का 0.618 लेवल। सेकेंड टारगेट होगा हमारा 0.786 का लेवल और हमारा थर्ड टारगेट होगा 1। तो हमारा 3 टारगेट हो गया 1, 2, 3। और अब हम देख लेते हैं इस वीडियो में रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा कैसा है वो अब बात कर लेते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे फाइंड करना है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया कि हाउ टू फाइंड रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, और उस विषय में मैंने एक बहुत वीडियो बनाया, आप चाहो तो उस वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। तो अभी चलते हैं इस पर हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो का। ये हमारा तो शॉर्ट पोजीशन है, तो शॉर्ट पोजीशन से मैंने एंट्री मान लो यहाँ पे लिया और हमारा टारगेट कितना होगा वो मैं देख लेता हूँ। तो हमारा टारगेट है यहाँ तक का और हमारा रिस्क है यहाँ तक का। तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो गया 3.28, मतलब परफेक्ट है। जब भी आप कोई ट्रेड लो तो एटलीस्ट 1:3 का तो लेना ही लेना है आपको, अगर मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिके रहना है तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारा ये परफेक्ट है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, देख लीजिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आप। तो मैंने शॉर्ट पोजिशन का एग्जाम्पल दिया, हम आपको लॉन्ग पोजिशन का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप वीडियो में यहाँ तक ही था, आगे मैं फिबोनाची पे अच्छे से एक सीरीज बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं आपके लिए ढेर सारा वीडियो बना के लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।